नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। साइमन मरांडी के अंतिम दर्शन को उमड़े लोग। विधानसभा अध्यक्ष सहित कई राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मंत्री साइमन मरांडी के अंतिम दर्शन के लिए पाकुड़ स्थित उनके आवास पर समर्थकों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने भी हिरणपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री का शव बुधवार सुबह करीब 4:45 बजे पाकुड़ जिले के हरिणपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचा था। झामुमो के गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे साइमन मरांडी का 74 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। कोलकाता के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने सोमवार देर रात अंतिम सांस ली। इस बात की पुष्टि झामुमो प्रखंड अध्यक्ष इसहाक अंसारी ने की। गौरतलब हो कि करीब 1 महीने से तबीयत खराब होने की वजह से वो कोलकाता के अस्पताल में ही भर्ती थे। साइमन मरांडी के करियर के बारे में आइए जानते हैं। साइमन मरांडी छात्र जीवन में ही राजनीति की शुरुआत की थी। साइमन ने पहली बार 1977 में बतौर निर्दलीय मरांग मुर्मू को 149 मतों से हराकर लिट्टी पड़ा का नेतृत्व किया था। इसके बाद उन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर झामुमो बनाया। साइमन मरांडी ने 5 बार यहां से लगातार जीत हासिल की। 1989 में लोकसभा चले जाने के कारण साइमन ने यह सीट अपनी पत्नी सुशीला हसदा को सौंप दी। वर्तमान में इस लिट्टी पड़ा सीट से उनके पुत्र दिनेश विलियम मरांडी विधायक हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों का रफ्तार तेजी से बढ़ते जा रहा है। आज मिला 3198 नए केस, जिसमें 31 की मौत हुई। झारखंड में बुधवार को कोरोना के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। एक दिन पहले यानी मंगलवार को 2844 संक्रमित मिलने के बाद बुधवार को राज्य में 3198 कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 31 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 3198 नए केस के साथ झारखंड में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,47,792 हो गई, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 18,524 हो गई है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,27,976 हो गई। 1,798 संक्रमित मरीजों के इलाज के बाद ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 31 संक्रमितों की मौत राज्य के अलग अलग अस्पतालों में हो गई, जिससे राज्य में कोविड-19 संक्रमण में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,292 पर पहुँच गई, जबकि 18,524 मरीजों का इलाज राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों में होम आइसोलेशन में चल रहा है। आइए जानते हैं कहां से कितने मरीज मिले। रांची में आज सबसे अधिक 1273 नए संक्रमित मिले। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 368, बोकारो में 130, चतरा में 22, देवघर में 100, धनबाद में 160, दुमका में 88, गढ़वा में 66, गिरिडीह में 15, गोड्डा में 43, गुमला में 66, हजारीबाग में 127, जामताड़ा में 24, खुट्टी में 54, कोडरमा में 125, लातेहार में 73, लोहरदगा में 44, पाकुड़ में 19, पलामू में 27, रामगढ़ में 117, साहिबगंज में 107, सरायकेला में 116, सिमडेगा में 90 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 44 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में हालात बदतर, लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना वायरस महामारी का दूसरा चरण देश में घातक हो गया है। झारखंड में हालात बेकाबू हो रहे हैं। संक्रमण से हो रही मौतों के मामले में तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। संभव है कि झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। इस बीच सरकार ने बुधवार को आईएएस अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह को भी कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स में शामिल किया है। पूरे राज्य में होम आइसोलेशन से संबंधित कार्यों के लिए वे जवाबदेह होंगे। झारखंड में भी मिले कोरोना के नए स्ट्रेन। भुवनेश्वर में हुई जांच में पुष्टि। भुवनेश्वर स्थित रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में हुई जांच में झारखंड में कोरोना के नए स्ट्रेन होने की पुष्टि हुई। राज्य सरकार ने नए स्ट्रेन की पुष्टि के लिए 52 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर स्थित लैब भेजे थे। इनमें से 39 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए योग्य पाए गए। 39 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में 3% अर्थात 13 सैंपल के वायरस खतरनाक पाए गए। 9 सैंपल में जहां यूके म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया, वहीं 4 सैंपल में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया। जिन 9 सैंपल में यूके म्यूटेंट स्ट्रेन पाए गए, उनमें 8 रांची तथा 1 पूर्वी सिंहभूम के थे। वहीं जिन 4 सैंपल में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पाए गए, उनमें 3 रांची तथा 1 पूर्वी सिंहभूम के थे। कुल 13 सैंपल में 8 पुरुष तथा 5 महिला के सैंपल थे। बता दें कि कई राज्यों में नए स्ट्रेन होने की पुष्टि पहले हो चुकी है। अब जाकर नए स्ट्रेन होने की पुष्टि झारखंड में भी हो गई है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। जिला के सभी निजी अस्पताल में होगा कोविड का इलाज।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने इससे निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। डीसी भोर सिंह यादव ने कहा कि संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर अब शहर सहित जिले भर के सभी निजी अस्पतालों को कोविड इलाज के लिए टेक ओवर किया जा रहा है। शहर के संजीवनी सनराइज और संतुलता हॉस्पिटल सहित बुआरीजर के संत लुकास और पोड़ियाहाट के मर्सी हॉस्पिटल में कोविड मरीजों का इलाज होगा। इसमें मरीजों का आर्थिक शोषण नहीं होगा, इसके लिए जिला स्तर से अधिकारी पैनी नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर घातक सिद्ध हो रही है, इस बार संक्रमण की दर 15% से अधिक है। डीसी बुधवार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। मौके पर पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह मिश्रा और एसडीओ ऋतुराज जितेंद्र कुमार देव मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज से टोपी नहीं पहनेगी झारखंड पुलिस, मुख्यालय ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला व इकाइयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। कोरोना वायरस के चलते अब झारखंड पुलिस के जवान अधिकारी टोपी नहीं पहनेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि टोपी पहनने से बार बार उसे छूने की जरूरत महसूस होती है, उसे ठीक करने के लिए बार बार हाथ ले जाना पड़ता है। पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम करती है, भीड़ में रहती है, ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना रहता है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों से मास्क पहनने व सैनिटाइजर से बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहने का आदेश जारी किया है। झारखंड में फिर लटके पंचायत चुनाव, सरकार ने साधी चुप्पी। झारखंड में पंचायत चुनाव में पहले ही एक साल की देरी हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात के बीच अब इस साल भी ग्राम पंचायतों में चुनाव होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब तक राज्य सरकार ने भी इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले झारखंड में 2015 में पंचायत चुनाव हुए थे, तब त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव कराया गया था। इनका 5 साल का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ये तीनों संस्थाएं स्वतः विघटित हो गई है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के पंचायत चुनाव जानबूझकर लटकाने के आरोप को दरकिनार करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को फुल प्रूफ तरीके से बहाल करने की मंशा जताई थी। तब मई जून में पंचायत चुनाव कराने की बात जोर शोर से कही गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी की नियुक्ति के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव कराने के लिए ढेरों तैयारियां करनी होती है, जिसे जिलावार निपटाया जा रहा है। बिना तिथि बताए उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के बाद जनवरी माह में ही अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रखने के लिए कार्यकारी समिति का गठन भी कर दिया था। बता दें कि सरकार राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने बीती फरवरी माह में राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करने की मांग की थी। झारखंड चैम्बर ने कहा कोविड मरीजों को जीवन रक्षक दवाई व ऑक्सीजन नहीं मिल पाना चिंतनीय है। राज्य में कोविड मरीजों के लिए राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर की कमी के कारण मरीजों को समय पर इंजेक्शन के नहीं मिलने पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा। चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण जैन झबड़ा ने पत्र में कहा कि इंजेक्शन के स्टॉक की कमी के कारण विभिन्न अस्पतालों में भर्ती संक्रमितों के परिजनों को अपने स्तर से इंजेक्शन की व्यवस्था करने को कहा जा रहा है। झारखंड में रेमडेसिविर की खपत के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने के कारण यह समस्या बनी हुई है। जहां आपूर्ति हो भी रही है तो यह अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मरीजों को इंजेक्शन का एक डोज पड़ने के बाद दूसरे डोज के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने पत्र में आग्रह किया कि वर्तमान में लोगों के समक्ष जारी इस स्वास्थ्य संकट के शीघ्र समाधान के लिए जीवन रक्षक दवाई तथा ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने की पहल की जाए। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बुधवार को राजधानी रांची का सुबह से ही मौसम साफ रहा, हल्की हवा के साथ धूप खिली रही, आसमान में जहां तहां थोड़े बादल भी दिखाई दे रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का ट्रफ लाइन झारखंड में बना हुआ था, इससे रांची समेत आसपास के कई जिलों में मौसम सामान्य रूप से साफ रहा। इसके बाद अगले 3 दिनों तक रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी
सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और देवघर में आज सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। यहाँ का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुँच गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुँच गया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दुमका में 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो में 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबर है झारखंड के देवघर से। चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। बुधवार को मधुपुर में पुलिस कप्तान अश्विनी कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस व पारा मिलिट्री फोर्स द्वारा शहर में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस टीम ने इस दौरान थाना रोड, गांधी चौक, स्टेशन रोड, डालमिया चौक, एसआर डालमिया रोड आदि का दौरा किया। इस दौरान शहर में शांति व्यवस्था बहाल रखने का संदेश दिया गया। इस दौरान थाना प्रभारी मनोज कुमार मलिक ने शहरवासियों से अपील की है कि निर्भीक होकर मतदान करें। भयमुक्त व निष्पक्ष माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस पूरी तरह तैयार है। जानकारी हो कि मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। रांची के पुलिस को सुरक्षित रखने के लिए विशेष इंतजाम। अलग से तैयार किया जा रहा है 200 बेड का आइसोलेशन सेंटर। बेहतर खान पान के साथ इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने की भी होगी सुविधा। रांची में तेजी से फैलता कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी अपने गिरफ्त में ले रहा है। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स से लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब रांची पुलिस की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इनके इलाज के लिए अलग आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। रांची के कुटे स्थित विस्थापित सेंटर को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। लगभग 500 बेड को तैयार करने की कोशिश है, जिसमें 200 बेड तैयार कर लिए गए हैं। यहां संक्रमित पुलिसकर्मी व परिजनों को रखा जाएगा। उन्हें बेहतर खान पान के साथ इमरजेंसी अस्पताल पहुँचाने की भी सुविधा होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।